भारत की कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा भी सामने आने लगा है। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 नागरिकों को चीन आज भारत के हवाले करेगा। सुबह करीब 9:30 बजे किबतू बॉर्डर के पास वाचा इलाके में चीनी सैनिक इन 5 युवकों को सौंपेंगे। कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट करके इसकी पुष्टि की थी और बताया जा रहा है कि ये युवक अपर सुबनसिरी जिले से 4 सितंबर को गलती से एलएसी पार कर गए थे और जिन युवकों को सौंपा जाना है उनके नाम है तोच सिंघम, प्रसाद, डोंगटू, तनु और नगारू। इस साल यह दूसरा मौका है जबकि कूटनीतिक प्रयासों को देखते हुए चीन के कब्जे से अरुणाचल के युवकों को छुड़ाने में हिंदुस्तान कामयाब रहा है और इससे पहले मार्च में 21 साल के युवक को 19 दिन तक रखने के बाद चीनी आर्मी ने छोड़ दिया था। भारत और चीन के बीच लद्दाख इलाके में करीब 4 महीने से जारी तनाव को देखते हुए माहौल ठीक करने की दिशा में इसे एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत भी कहा जा सकता है। गुरुवार को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में तनाव खत्म करने को लेकर बैठक हुई थी और इन तमाम कदमों को लेकर चर्चा भी हुई थी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।